अपना दूसरा टॉपिक है आई एम अ होममेकर, मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर संभालती हूँ और मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। इसमें कोई खराबी नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात होती है। हर एक महिला जो घर संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करती है, उसे मेरा सलाम। तो अपना अगला टॉपिक है आई एम अ होममेकर। आपकी दोस्त है वो मुंबई जैसे शहर से आती है और वो आपसे मिलती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, आप अपने आप को कैसे काबिल बताना चाहते हो वो आज का अपना विषय है। वो तो एक फैशन डिजाइनर है, आपसे मिलके बोलती है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आप जैसे ही एक दूसरे से मिलते हो वो बोलती है हाय सीता, आप बोलोगे हाय डियर। वो आपसे पूछती है क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ दीज डेज। आप कहती है कि मैं होममेकर हूँ, मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। वो हंसती है, वो बोलती है हाउसवाइफ, तू कुछ करियर ओरिएंटेड काम नहीं करती, तूने तो कितनी पढ़ाई की थी। तब आप बोलते हो कि माय डियर, घर चलाना आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी टू रन द शो एट होम। वो बोलती है वो तो नौकर चाकर भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय मेड्स एंड सर्वेंट्स, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। आप बोलते हो नहीं, आपको ऐसा जरूरी नहीं लगता कि आपको प्रोफेशनली कुछ करना चाहिए। नो माई डियर, आई डोंट फील इट इज नीडेड दैट आई शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ होममेकर। वो आपको बोलती है यस, अपनी अपनी सोच, अपना अपना समझ। यस माई डियर, चॉइस इज आर्स एंड इवन इफ यू लाइक टू डू दिस, आई सल्यूट योर वर्क, इट्स डेफिनेटली नॉट एन ईजी वर्क। तब आप बताती है कि घर, बच्चे, फैमिली, परिवार चलाना कितना डिफिकल्ट होता है, इट्स टू डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग एट होम बीइंग अ सिंगल पर्सन। आपकी दोस्त बोलती है डेफिनेटली घर चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ऑफिस जाके काम करके वापस घर आ जाना बहुत ही आसान होता है। वो कैसे बोलेगी, यस माई डियर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ होम मेकर, इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस टू बी अ होम मेकर, वेयर एज प्रोफेशनली वी जस्ट गो डू अ पार्ट कम बैक एंड वी लीव द अदर थिंग्स ऑन सर्वेंट्स। तो इसका एंड क्या होता है, इसका एंड ये होता है कि भले ही आप होममेकर हो या भले ही आप प्रोफेशनली कोई करियर बेस्ड लेडी हो, दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत ही काबिले तारीफ होती है। आप होममेकर हो तो भी सलाम, आप प्रोफेशनली किसी करियर ओरिएंटेड लेडी हो तो भी सलाम, दोनों ही जगह पर अपना अपना पार्ट होता है प्ले करने का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियाँ, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मज़ा, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़रूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।